व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर बड़ा ही शानदार रहने वाला है। हालांकि थोड़ा फैक्चुअल चीजें ज्यादा रहेंगी आज के लेक्चर में, पर लेकिन आप लोगों को भले ही किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक ओवरव्यू होना चाहिए। अगर एसएससी और बैंकिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य की कितनी सीटें हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, फर्स्ट स्पीकर कौन था, आज की डेट में कौन स्पीकर है, या फिर इस तरीके जो भी क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इंटरव्यू से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में कि बताइए आपके राज्य से कितनी सीट लोकसभा में, कितनी सीट राज्यसभा में। तो ये ऐसी बातें जो भी हैं सारे उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे आज तक हमारी कंट्री में लेकर जब से हमारा देश आजाद हुआ है और फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनी थी तब से लेकर आज तक का कितनी बार हमारी कंट्री में आपका गवर्नमेंट बन चुकी है, मतलब एक तरीके से हम देखेंगे कि कितनी बार हमारी कंट्री में आज तक लोकसभा का गठन हुआ है और ये कौन से नंबर की लोकसभा है। राज्यसभा तो आप लोग जानते हैं परमानेंट हाउस है, वो कभी भी आप लोग जानते हैं डिसॉल्व नहीं होता है, लोकसभा ही हमेशा डिसॉल्व होती है। उसके बारे में हम लोग कई बार लेक्चर के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज हम एक एक राज्य के बारे में डिटेल में जानेंगे। आप लोग यहां पर यह भी जानने को मिलेगा कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहां पर आप लोगों को राज्यसभा की सीटें नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये भी बातें हम लोग जानेंगे कौन कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है। तो काफी फैक्चुअल और काफी इन्फॉर्मेशन भरा हुआ लेक्चर ये रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आप लोगों को यहां पर दिख ही रहा होगा, पहले बात की जा रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके स्टेट के जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, 29 स्टेट है हमारी कंट्री में और 7 यूनियन टेरिटरी है। तो इनमें से जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके स्टेट की आपके राज्य की कितनी सीटें लोकसभा में और कितनी सीटें राज्यसभा में है, ठीक है। तो यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं आप लोगों के सामने क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आज की डेट में आप लोगों के सामने है, पर लेकिन एक टाइम पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक जगह हुआ करते थे, लेकिन अब आंध्र प्रदेश आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है और तेलंगाना आप लोगों को यहां पर 25th नंबर पर नजर आएगा। तो दोनों की अलग अलग सीट अब डिवाइड हो गई है, पहले जो सीट्स थी दोनों की एक जगह मिली हुई थी, ठीक है। तो जो खासकर नया स्टेट बना है उसकी तो आप लोग दोनों की याद रखिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट अभी नया स्टेट बना है, नया तेलंगाना, तो और जिससे निकल के ये स्टेट बना है, तो उसके बारे में तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दोनों के बारे में रखनी है अपने स्टेट के अलावा, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, ओके। तो पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की आप लोगों को राज्यसभा की सीटें यहां पर देखने को मिलेगी है 11, ठीक है, लोकसभा में होगी टोटल 25। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर ओनली राज्यसभा में एक सीट है। कई बार आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्यसभा की ओनली सिंगल सीट है या फिर लोकसभा की आप लोगों को सिंगल सीट नजर आएगी। तो ऐसे भी राज्य हैं हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, एक सीट या दो सीट के, या फिर आप लोगों को देखने को मिला जो नए नए अभी नए राज्य बने हैं उनके बारे में, या जहां पर बिल्कुल सीट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने फैक्चुअल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा आप लोग माइंड में रखना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में इस एरिया में ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे यहां पर डिवीजन सीट्स का है, ठीक है। और ये आप लोगों को पता है डिलिमिटेशन कमीशन में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं किस तरीके से सीट्स का डिवीजन होता है, पॉपुलेशन के बेस पर सीट्स का डिवीजन किया जाता है, वो हम लोग लेक्चर में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर राज्यसभा में आप लोगों को एक सीट नजर आएगी, और जब बात करते हैं लोकसभा में तो यहां पर आप लोगों को दो देखने को मिलेगी। आसाम में यहां पर 7, यहां पर 14 हो गई, बिहार में 6, बिहार में 16 और यहां पर 40 हो गई, और छत्तीसगढ़ में 5 और यहां पर 11 हो गई। इसके अलावा ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कौन सा ऐसे स्टेट लगा सकते हैं आप लोगों से ऊपर के 3 या 4 की जिनमें सबसे ज्यादा लोकसभा की और राज्यसभा की सीट्स हैं, तो वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे, ओके। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का बिल्कुल ऐसा ही रवैया है जैसा आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में एक सीट थी राज्यसभा की, 2 सीट थी लोकसभा की, गोवा में भी आप लोगों को ऐसे ही नजर आएगा, एक सीट रहेगी यहां पर राज्यसभा की और 2 सीट रहेगी लोकसभा की। इसके अलावा ऐसे ही आप लोगों को नजारा नजर आएगा यहां पर किसमें, मणिपुर में एक सीट यहां पर किसकी रहेगी, राज्यसभा की, 2 सीट लोकसभा की। मेघालय में भी ऐसे ही नजारा है, एक सीट यहां पर राज्यसभा की, 2 सीट लोकसभा की। और मिजोरम और नागालैंड की तो आप लोगों को बिल्कुल कहानी खत्म दिखेगी, दोनों की यहां पर एक एक सीट है दोनों जगह, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके का रवैया आप लोगों को सिक्किम में नजर आएगा, यहां पर भी आप लोग एक एक सीट देख सकते हैं, ओके। इसके अलावा आप लोगों को त्रिपुरा भी इनसे मिलता जुलता है, यहां पर एक सीट हो गई, यहां पर 2 सीट हो गई। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ इनमें बहुत कम सीटें हैं। तो ऐसे कितने स्टेट हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया पहला स्टेट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया गोवा, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया यहां पर मेघालय, पांचवा हो गया मिजोरम, छठा हो गया नागालैंड और सातवा हो गया सिक्किम। तो हमारी कंट्री में आप लोगों को, और आठवा हो गया यहां पर त्रिपुरा, हमारी कंट्री में टोटल 8 स्टेट ऐसे मिलेंगे जिनमें ओनली सिंगल सीट है राज्यसभा की, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से आज तक पूछा नहीं गया, पर फ्यूचर में चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन भी बनने के कि ऐसे स्टेट बताओ हमारी कंट्री में जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली सिंगल सीट है कहीं की राज्यसभा की, ठीक है। और लोकसभा की सिंगल सीट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो वो कौन से स्टेट है आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं यहां पर कितने स्टेट है, एक तो हो गया नागालैंड और दूसरा हो गया सिक्किम।
तो ओनली दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर लोकसभा की आप लोगों को एक सीट नजर आएगी, इसके अलावा सब जगह आप लोग यहां पर ज्यादा सीट नजर आएगी। लोकसभा के मामले में तो आप लोगों को ओनली दो स्टेट है, पर लेकिन राज्यसभा के मामले में 8 स्टेट है। कम से कम संख्या याद रख सकते हैं अगर स्टेट के नाम याद नहीं रखने हैं, कि हाँ 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पर सिंगल सीट है राज्यसभा की और 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर सिंगल सीट है लोकसभा की, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहां पर गुजरात में 11 हो गए, यहां पर 26 हो गए, हरियाणा में 5 हो गई, 10 हो गई, हिमाचल प्रदेश में 3 हो गई, 4 हो गई, जम्मू एंड कश्मीर में 4 हो गई और यहां पर 6 हो गई। जम्मू और कश्मीर भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी काफी न्यूज में रहता है, तो इस तरीके के स्टेट भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 4 हो गई, यहां पर 6 हो गया। झारखंड में आप लोग देखिए यहां पर 6 हो गई, यहां पर 14 हो गई, कर्नाटक में 12 हो गई, 28 हो गई, केरला में आप लोगों के सामने 9 है और यहां पर 20 है, मध्य प्रदेश में 11 है और यहां पर 29 है, महाराष्ट्र में 19 है और यहां पर 48 है, ठीक है। ये हो गई यहां पर उड़ीसा, आप लोग देख सकते हैं यहां पर 10 हो गया, 21 हो गया, पंजाब 7 हो गया, 13 हो गया, राजस्थान 10 हो गया, 25 हो गया, तमिलनाडु 18 हो गया, 39 हो गया और यहां पर तेलंगाना देख सकते हैं आप लोग, यहां पर 7 हो गई और यहां पर हो गई 17। तो तेलंगाना भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, यहां पर 3 हो गई, यहां पर 5 हो गई। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसको मिनी इंडिया भी बोला जाता है, यहां पर 31 है, 31 और यहां पर है कितनी 80 सीट। इसीलिए बोला जाता है कि जहां पर भी जिस भी स्टेट जो भी यहां पर गवर्नमेंट बननी है सेंटर में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है किसका, उत्तर प्रदेश का। अगर उत्तर प्रदेश एक बार को जीत लिया तो समझो गवर्नमेंट सेंटर में उसी इंसान की बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सीट राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी सबसे ज्यादा किसमें है, यह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो यह क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में यहां पर 16 हो गई और यहां पर हो गई 42। तो ये हम लोगों ने एक एक करके देख लिए। अब थोड़ा नजर डालते हैं कौन से ऐसे 3 स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है। तो पहला आप लोगों के सामने क्या है, यहां पर यूपी हो गया। दूसरे नंबर पे आप लोगों के सामने कौन सा है, दूसरे नंबर पे आप लोग यहां पर नजर आएगा, ये देख सकते हैं आप लोग कौन सा हो गया, ये हो गया यहां पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पहले पे यूपी है, दूसरे में महाराष्ट्र 48। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहां पर तीसरे नंबर पे क्या आ गया, यहां पर ये आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, चौथे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यहां पर बिहार है, और पांचवें नंबर पे आप लोग एक और देख सकते हैं, हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो ये टॉप ऊपर के 5 स्टेट आप लोगों के सामने हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर राज्यसभा में सबसे ज्यादा है। ये सबसे पहले तो यूपी आप लोग याद रख सकते हैं, यूपी हो गया पहला। दूसरे नंबर पे आप लोगों के सामने कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा सीट है, तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहां पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु की आप लोगों के सामने 18 सीट है, और जबकि वहां पर दूसरे नंबर पे क्या था, वो नहीं, वो महाराष्ट्र है, सॉरी महाराष्ट्र, वहां पर भी महाराष्ट्र था और यहां पर भी महाराष्ट्र है, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहां पर आप लोगों के सामने यहां पर कितनी सीटें देखने को मिल रही है, तीसरे नंबर पे यहां पर 18 हो गई, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 31 हो गई यहां पर, यहां पर हो गई 19, यहां पर हो गई 18 और यहां पर हो गई 16। तो ऊपर के 4-5 स्टेट आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आपका स्टेट कौन सा है, उसमें कितनी राज्यसभा की सीट है, कितनी लोकसभा की सीट है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ में आप लोगों को तेलंगाना की भी लिख देना और आंध्र प्रदेश की भी लिख देना, ये इसलिए कि आप लोगों को याद रह जाएगी। 4 स्टेट देख लीजिएगा, 4 स्टेट भी लिखिएगा जो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट है, और 4 स्टेट ऐसे जिसमें मिनिमम सीट है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज है जिससे कि आप लोग खुद से एक बार लिखेंगे, टाइप करेंगे या फिर कॉपी पे लिख के फोटो खींच के यहाँ पर इसको आप लोग पोस्ट करेंगे तो आप लोग कम से कम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि एक बार किसी चीज को आप लोग अपने हाथों से लिख लेते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं माइंड में छप जाती है चीजें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग इसको करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ये हम लोगों ने जानी 29 स्टेट हमारी कंट्री में है, कितनी सीट यहां पर लोकसभा में है, कितनी राज्यसभा में है, ये एलोकेशन हम लोगों ने देखी। एक बात आप लोगों के सामने यहां पर क्लियर है, कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें लोकसभा की सीट ना हो, और कोई सा भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर राज्यसभा की सीट ना हो, भले ही एक सीट हो पर लेकिन वहां पर सीट आप लोगों को नजर जरूर आएगी, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है लोगों को रिप्रेजेंट करना पार्लियामेंट में, अगर किसी स्टेट को यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगी चीज, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हमारे द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लेजिस्लेचर की बात करते हैं स्टेट के लेवल पर, तो वहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो इस तरीके से हम लोगों के द्वारा यहां पर भेजे जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो होना जरूरी है, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी किसी भी स्टेट की तो वहां पर हम लोग कैसे जानेंगे कि उस स्टेट के में क्या कमी है, उस स्टेट में क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये बात हो गई कहां की, ये बात हो गई आप लोगों के सामने जो हमारे 29 स्टेट हैं। अब थोड़ी नजर डालते हैं यहां पर घुमा फिरा कर हम लोग यूनियन टेरिटरी के ऊपर। यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में 7 है, 7 यूनियन टेरिटरी में, तो आप यूनियन टेरिटरी में तो आप लोगों के सामने 5 ऐसी होंगी जहां पर राज्यसभा की सिटी नहीं है। जी हाँ, अंडमान निकोबार हो गई, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, इसके अलावा आप लोगों के सामने है लक्षद्वीप। ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है 5 जहां पर आप लोगों को राज्यसभा की सीट ही नजर नहीं आएगी। और लोकसभा की आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिनमें मैंने आप लोगों के सामने बोला है, यहां पर लोकसभा की भी आप लोगों के सामने जस्ट ओनली एक एक सीट है।
ठीक है, जो से पांच मैंने आप लोग यहां पर बताए हैं। लोकसभा की भी ओनली एक एक सीट है। सबसे ज्यादा यहां पर जो पावर दी गई है वो दी गई है दिल्ली को। दिल्ली में टोटल तीन तो सीट राज्यसभा की है और सात सीट आप लोगों के सामने लोकसभा की है। और पोंडीचेरी में आप लोगों को नजर आएगी एक सीट राज्यसभा की और एक सीट लोकसभा की। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने टोटल डिस्कस क्या किया था, टोटल नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं, ये है 12। 12 आप लोगों को नजर आते हैं राज्यसभा में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलते हैं अलग अलग फील्ड के एमिनेंट पर्सन आप लोगों के सामने यहां पर नजर आते हैं। कई बार आप लोगों के लिए यहां से भी क्वेश्चन निकल के आता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस किस फील्ड का यहां पर नॉमिनेशन होता है। तो मैंने उस टाइम पर जब आप लोगों को पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एक एक्रोनिम भी याद कराया था, ये था LASS, तो लास्ट करके मैंने आप लोगों को याद कराया था। यहां पर इसका मतलब क्या होता है, ये होता है लिटरेचर, ये होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्ट, ये होता है यहां पर साइंस, और ये होता है यहां पर सोशल सर्विस। तो ये चार एरिया ऐसे हैं जहां से आप लोगों के सामने मेंबर निकल कर आते हैं, जो कि 12 मेंबर नजर आते हैं। ये 12 मेंबर यहां पर चुने जाते हैं, मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा इन 12 मेंबर जो यहां पर ये आप लोगों के लिए नॉमिनेटेड होता है, होके आते हैं, इनका टाइम पीरियड कितना रहता है, 6 साल, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग इतना ध्यान जरूर रखा कीजिए अगर कोई भी इस तरीके का जनरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो। और यहां पर किसका नॉमिनेशन होता है, 2 मेंबर होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। मतलब आप लोगों को पता है हमारे देश पर काफी दिनों तक अंग्रेजों ने रूल किया है, तो अंग्रेजों के साथ में जिसने शादी विवाह कर ली है, अंग्रेजों के साथ में जिनके रिलेशन हुआ करते थे, तो वो मेंबर आप लोग यहां पर नजर आएंगे। ये भी हम लोग टोटल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब थोड़ा जानते हैं हमारे यहां पर कौन कौन सी किस टाइम पर हमारे यहां पर लोकसभाएं हुई है। तो टोटल एक करके सारी लोकसभा की ड्यूरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लोकसभा आप लोगों को देखने को मिलेगी 1952 से 1957 तक चली। ठीक है, पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डिसॉल्व हो गई थी 38 डेज बिफोर द एक्सपायरी टर्म, जब इसको एक्सपायर होना था उससे 38 दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी। टोटल लगभग आप लोग 5 साल यहां पर देख सकते हैं 52 से 57 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो यहां पर चली ये सेकंड लोकसभा थी, ये 57 से 62 तक नजर आएगी, 40 दिन पहले डिसॉल्व कर दी गई थी। इसके अलावा आप लोगों के सामने यहां पर है थर्ड लोकसभा 62 से 67 तक चली थी, 44 दिन पहले हो गई थी। फिर आप लोगों के सामने यहां पर फोर्थ ये चली थी यहां पर 67 से 70 तक, ठीक है, डिसॉल्व हो गई थी 79 डे बिफोर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर, सॉरी यहां पर वन ईयर 79 डेज है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहां पर ओनली आप लोग देख सकते हैं ये 67 से 70 तक, 3 साल यहां पर पूरे हुए ओनली, तो बीच में जो बच गई ड्यूरेशन वो आप लोग देख सकते हैं यहां पर। और फिर ये वाली तो सबसे फेमस है, इसका तो आप लोग नाम याद रखना ही रखना है, फिफ्थ लोकसभा जो थी यहां पर, ये आप लोग देखते हैं इसी के ड्यूरेशन में हम लोगों ने इमरजेंसी डिस्कस की थी, तो यहां पर 71 से 77 तक चली, जिसमें 75 से 77 तक आप लोगों के सामने इमरजेंसी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है। फिर आप लोग इमरजेंसी के ड्यूरेशन बाद में यहां पर गवर्नमेंट आई, सिक्स लोकसभा 77 से 79 तक रही, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीच में ही लुढ़क गई थी ये गवर्नमेंट, क्योंकि गठबंधन की गवर्नमेंट थी और ये चल नहीं पाई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहां पर निकल कर आई थी। ठीक है, ये भी आप लोग काफी न्यूज में थी, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। फिर आगे चल के पैटर्न थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया, आप लोग देख सकते हैं, बाकी इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आप लेटेस्ट पे आ जाइए, यहां पर लेटेस्ट आप लोग देख सकते हैं, यहां पर हमारी 16th लोकसभा चल रही है, इससे पहले वाली 15th लोकसभा थी जो 2009 से 2014 तक थी और ये अभी कंटिन्यू है। आप लोग देख सकते हैं 2014 से और ये चलने वाली कब तक है, ये चलने वाली है 2019 तक, तो ये कंटिन्यू है अभी। तो ये आप लोगों के सामने 16th लोकसभा, तो इस तरीके क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं कि कौन से नंबर की लोकसभा अभी हमारे यहां पर पिक्चर में है, कौन से नंबर की लोकसभा अभी चल रही है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए और इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इतना तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि करंट लोकसभा कौन से नंबर की है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की चाहे आप लोग तैयारी करें, और भले ही किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इतना तो आप लोगों को सिटीजन होने के नाते पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की लोकसभा हमारी कंट्री में अभी फिलहाल एट प्रेजेंट चल रही है। बात कर लेते हैं थोड़ा लोकसभा स्पीकर के बारे में, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। स्पीकर वैसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी आप लोग यहां पर एक बार नजर लगवा देता हूं, यहां पर खासकर स्टार्टिंग वाले और जो आज की डेट में प्रेजेंट में है, या फिर आज से जो पहले वाली लोकसभा हुई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट जो लोकसभा के स्पीकर थे, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर आप लोगों के सामने हैं, जो कि 52 से यहां पर 56 तक रहे, मतलब एक साल पहले ही इनकी डेथ हो गई, तो एक साल पहले ही ये एक्सपायर हो गए थे। इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो यहां पर टाइम पीरियड कंप्लीट किया गया, ये यहां पर सेकंड नंबर पर दूसरे इंसान को बनाया गया जब ये यहां पर इनकी डेथ हो गई थी। इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, अनंथा श्यानम अय्यर, ठीक है। और फिर सेकंड टर्म भी इन्हीं के हाथ में रही कंप्लीट, आप लोग देखते हैं 57 तक 62 तक जो सेकंड टर्म थी, जब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इंडो चाइना की वार हुई तब तक यहां पर यही रहे,
फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ गए हुकुम सिंह जी। तो कम से कम तीन स्टार्टिंग के आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग 15th जो लोकसभा थी उसका याद रख सकते हैं, ये यहाँ पर मीरा कुमार जी थी। और यहाँ पर नेक्स्ट जो अभी यहाँ पर अभी 16th लोकसभा चल रही है, तो ये है आज के डेट में सुमित्रा महाजन जी। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताइए सुमित्रा महाजन जी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती है, मतलब कहाँ से वो इलेक्शन लड़कर आई थी यहाँ पर लोकसभा में। इस तरह की बात भी कई बार, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि स्पीकर का मैं ऑलरेडी आप लोगों को पता चुका हूँ कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लोकसभा में। मनी बिल आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। मनी बिल को डिसाइड कौन करता है, वो स्पीकर ही डिसाइड करता है कि मनी बिल है या मनी बिल नहीं है। इसके अलावा ज्वाइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब बात आती है ज्वाइंट सिटिंग की, तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करने का काम भी आप लोगों को किसके सामने यहां पर नजर आता है, वो स्पीकर लोकसभा का ज्वाइंट सिटिंग को यहां पर प्रिजाइड करता हुआ नजर आता है। अगर स्पीकर पिक्चर में नहीं है तो कौन प्रिजाइड करेगा यहाँ पर, डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर पिक्चर में नहीं है तो फिर यहाँ पर चेयरमैन के पास भी पहुंच जाती है डिप्टी, डिप्टी चेयरमैन रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पर चेयरमैन नहीं आता है राज्यसभा का, डिप्टी चेयरमैन यहाँ पर आएगा, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का मतलब ये होता है ज्यादा पावर किसके हाथ में, लोकसभा के हाथ में ज्यादा पावर है, लोकसभा के ज्यादा मेंबर होते हैं, तो वही आकर यहाँ पर पिक्चर में देखने को मिलेगा। जब दोनों हाउस इकट्ठा हो जाते हैं तो पावर लोकसभा के हाथ में ज्यादा आ जाती है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कहीं पे आंसर भी लिखते हैं तो तब भी आप लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे लोकसभा कौन सी चल रही है, ये सारी बातें आप लोग लिखते हैं, फर्स्ट लोकसभा में ये हुआ था, ये सारी बातें, किस स्टेट में कितनी सीट्स मिल रही है, जनसंख्या के बेस पर भी आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत बैठ गए, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनियादारी में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए, और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।